ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ। ਇਹ ਹੈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੂੰਦੀ, 3 ਕੱਪ, 1 ਕੱਪ ਚੀਨੀ, 1/2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ, 1/2 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਬੀਜ 1 ਚਮਚ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ, 1 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਅਤੇ 1/2 ਚਮਚ 1/2 ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਇਸ 'ਚ ਬਬਲ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਨੀ। ਆਪਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰਿੱਝਦੇ ਹੋਏ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਤਾਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, 1 ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ।
हूँ आप इस पावे खरबूजे के बीज ताकि गर्म गर्म चाशनी के उन्होंने भी कच्चापन दूर हो जाए। इस ही आप पा देंगे छोटी इलायची का पाउडर, इन्हों हल्का जहा मिक्स कर देंगे। पावे आप ऑरेंज फूड कलर, घट ही मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल बाजार जीवन का ऑरेंज कलर आऊगा लड्डू। जे तो थोड़ी बूंदी प्लेन है तो तुम उन्होंने डायरैक्टली विच पा सकते हैं, पर मेरे को बूंदी हल्की जी नमक वाली सी इस करके मैं बूंदी नू एक अद्धा मिनट ही वॉश कर लिया उन्हें ताकि जो नमक सी निकल जाए, मेरे लड्डू के नमक का स्वाद ना आए। तो हम अपने बूंदी पा दी, बूंदी चंगी तरह कर लेंगे मिक्स। बूंदी अपनी मिक्स हो चुकी है, तो हम आप इस पा लेंगे देसी घ्यो अद्धा चम्मच। देसी घ्यो ना टेस्ट वधिया हो जाएगा, तो एक अपने लड्डू सुकणगे नहीं, बहुत नरम होणगे। आपां इसे चंगी तरह मिक्स करके 5-7 मिनट लई ढक के रख देंगे हैं ताकि जिहड़ी अपनी चाशनी सीगी ना बूंदी दे विच चंगी तरह रह जावे। अपनी बूंदी चंगी तरह मिक्स हो चुकी है, 5-6 मिनट हो चुके हैं। अगर थोड़ी बूंदी थोड़ी हार्ड भी हैगी तो तुम इसमें जार दे विच पा के ग्राइंड कर सकते हो, नहीं तो वैसे सॉफ्ट ही होती है। तुम सब्जी नाल किसी चीज़ भी नाल उसमें मैश कर लो, बहुत वधिया तरीके नाल मैश हो जाती है। बिल्कुल आपां ने इसमें पेस्ट भी नहीं बनाना है, हल्के हल्के दाने होने चाहिए विच। तो अपने दे नाल ही स्पेशल नाल बिल्कुल मिक्स हो चुका है। बनने वाली रेसिपी है, तो हम आप बनाए लड्डू। लड्डू किसी छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। लड्डू बन चुके हैं, कलर भी बहुत बढ़िया है, तो हम बना लेंगे सारे वे लड्डू जल्दी में। इसके उपर तुम कोई भी ड्राई फ्रूट जोड़ा भी थोनू चंगा लगता है लड्डू के उपर ला सकते हैं। लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट बन गए, लड्डू अपने सारे तैयार हो चुके हैं। इस उपर मैं बादाम लाता, एक बार ये रेसिपी जरूर करे ट्राई करो। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो चंगी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करो जी। सत श्री अकाल।